मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चर्चों में क्यों भारत रूस वार्षिक सम्मेलन। हालिया खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुप्रतीक्षित वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। रूस भारत का एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदार रहा है। भारत रूस संबंधों का विकास भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। वर्ष 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से भारत रूस संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के स्तर में वृद्धि के साथ गुणवत्ता रूप से एक संरूप प्राप्त किया है। वर्ष 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सामरिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। दिसंबर 2021 में द्विपक्षीय सहयोग में एक नया आयाम जोड़ा गया, जिसमें शिखर स्तरीय वार्ता के साथ पहले 2+2 वार्ता दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई है। नेतृत्व स्तर की सहभागिता। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच राजनीतिक साझेदारी में सर्व संस्थागत वार्ता तंत्र है। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां 28 समझौतों, ज्ञापनों और समझौताओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों नेताओं के बीच अंतिम व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक सितंबर 2022 में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान के समर्थन में हुई थी। धन्यवाद।